फाइनली 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए आपके प्यार के थ्रू, तो थैंक यू सो मच दिल से। एंड गाइज अभी तक 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज भाई हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं जल्द फेसकैम एंड Q&A वीडियो के साथ। पापा पापा, ये गोली चलने की आवाज किधर से आ रही है? बेटा लगता है कोई बदमाश इधर बदमाशी कर रहा है, मत जाओ उधर बेटा। पापा आओ ना, देखते हैं हो क्या रहा है, यहाँ पे गोली चलने की आवाज आई। धीरे धीरे आना पापा, बैठ के आना। अरे पापा देखो। अरे बेटा यहाँ तो कुछ बदमाश एक लड़के को पकड़े हुए हैं। साले सारे पैसे निकाल वरना खोपड़ी तोड़ दूंगा तेरी। मालिक एक रुपया नहीं है मालिक, झूठ नहीं बोल रहा मालिक, जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपका पगार दे दूंगा मालिक। साले 2 महीने से वेट कर रहा था, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये ले। अरे पापा इन्होंने तो मर्डर कर दिया, पापा जल्दी से यहाँ से भागते हैं वरना अगर हमें देख लिया तो हमें पकड़ लेंगे ये। हाँ बेटा जितना जल्दी हो सके निकलो इधर से। अरे मर्डर करते हुए उन दोनों लोगों ने देख लिया है, दोनों को पकड़ो। बेटा चिंता ना करो, उन्होंने हमारा चेहरा नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं, हम बच गए। क्या हो गया बेटा, तुम दोनों इतना हड़बड़ाए हड़बड़ाए क्यों आ रहे हो इधर? अरे कुछ नहीं मम्मी, हम लोग तो रेस लगाते सबसे पहले घर कौन पहुंचता, इसलिए हड़बड़ाए हुए थे। हाँ यही बात तो है, अब चलो फसल काटने चले, फसल बूढ़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। हाँ हाँ जल्दी चलो जी, वही तो हमारे पैसे आने का साधन है। बेटा तू छुप जा, उधर से कुछ गाड़ियां आ रही है, मैं बात करता हूँ। आप लोग कौन हो, प्लीज हमें जाने दो, ऐसा क्यों कर रहे हो, हम गरीब लोग हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? ए गरीब की औलाद, अभी तुरंत तूने मर्डर होते हुए देखा ना, फिर क्यों भाग गया रे उधर से? मालिक मुझे माफ कर दो, ये एक वादा है गरीब का, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं और मेरी पिस्टल की गोली और तुम जैसे गरीब की बोली बस पैसों में बिकती है। ये साला गरीब वहां से भाग के क्या सोच रहा था कि बच जाएगा, शकल तो देखा नहीं। इसको भी मारो साली को, दोनों की मौत हो गई। सरदार ये कीड़े तो मर गए सरदार, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए वरना मुझे भी मार देंगे ये लोग, पापा मम्मी को तो मार ही दिया। अब मेरी इस जिंदगी में क्या रखा है। वाह वाह तो पुलिस वाले अंकल आ गए, लगता है पुलिस वाले अंकल मेरे माता पिता का इंसाफ दिला के रहेंगे। चलो सामने से सुनता हूँ। क्या बे पुलिस वाले, कितने रुपए चाहिए मुंह शांत रखने के लिए? मालिक आप जितना दोगे उतना में काम चलेगा, आप उसकी टेंशन ना लो, आपके पास जितने हैं दे दो। याद रहे किसी का मुंह नहीं खुलना चाहिए, खुला तो वो समझो ऊपर चला। अरे मालिक आप जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, किसी का मुंह नहीं खुलेगा। सारे लोग बिके हुए हैं, ये सब तो बिक गए पैसों में, पुलिस वालों से ये उम्मीद नहीं थी, अब मैं सबसे बदला लूंगा, सबने मिलके मेरे माता पिता को मार दिया, सब बिके हुए हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब देखो मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, तुझे जरूर मारूंगा। ए कौन है रे तू, और अंदर कैसे घुस गया? अलग काला सेट पेंट पहन लेगा तो अपने आप को अफसर समझने लगता है। सर ये पुलिस स्टेशन है ना? अरे बाप ने बिना आंखों के पैदा कर दिया था क्या तुझे? इट्स IPS दिलजीत सिंह, जितने भी क्राइम करते हो ना बंद कर दो, क्योंकि आज से इस स्टेशन का मालिक मैं हूँ। सॉरी सर मुझे पता नहीं था आप कौन हो सर। अब पहचान लिए वही कॉपी, और तू तो सिकंदर से पैसे लेता है ना? नहीं नहीं सर मैंने कब पैसे लिए, मुझसे कुछ नहीं छिपता,
जो हुआ सो हुआ अब नहीं लेने का, और तुम दोनों मेरे साथ चलोगे और सिकंदर के गन हाउस में तुम लोग दोनों मिलकर अटैक करोगे। सर लेकिन वो बुरा मान जाएगा। हे भगवान, तुझे पता है मैं कौन हूँ? तेरी नौकरी यूं खा जाऊंगा एक चुटकी में। चल चुपचाप से सीधा मेरे साथ। ठीक है सर, ठीक है, हम लोग चलेंगे। आज से हम आपके वफादार हैं सर। घुसो और हड्डियां तोड़ दो। है भाग रहे, पुलिस वालों का अटैक हो गया, जल्दी से भागो इधर से। ए रुक 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 रुक, गांड दिखा किधर भाग रहा है भाई साले। रुक जा, रुक जा, खोपड़ी तोड़ता हूँ तेरी। ए टूटी ना खोपड़ी, ए लगा ना खोपड़ी मेरे बाबा। विपंस को हथिया लिया हमने, अब बारी है उसकी ड्रग डीलिंग की। तर आपको सिकंदर से डर नहीं लगता क्या? बचपन में लगा करता था। मेरे पीछे पीछे जल्दी से आओ। ज्यादा लोग नहीं है, अपना ध्यान रखना। जल्दी से मेरे पीछे पीछे आओ, उनका ध्यान हमारी ओर नहीं है। बी रेडी अटैक। खेल खत्म। सर कोई बात नहीं, मैं जी ना सका, लेकिन सिकंदर जैसे कुत्तों को पीछे हराने के लिए मैंने कुछ तो किया। सल्यूट यू माय बॉय, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका। माफ कर देना मुझे, लेकिन तुम्हारी ये कुर्बानी सबको याद रहेगी। अब जल्दी से इसे उठाओ और चलते हम लोग। मुझे जहाँ तक पता है सिकंदर कर जरूर पुलिस स्टेशन आएगा और मुझसे पूछेगा और कितने पैसे चाहिए। तर आप एक सच्चे पुलिस वाले हो, मैं आपका साथ हर वक्त दूंगा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। उसके वेपन सेलिंग बर्बाद, उसके ड्रग्स डीलिंग बर्बाद। अरे देखो वो आ गया, आप देखो मुझे कैसे तेल लगा। आप कितने पैसे चाहिए? सारा तो दे ही देता हूँ। अबे ओ पुलिस इंस्पेक्टर, कितने पैसे और चाहिए बे तुझे? और तू कौन है नया नया? IPS दिलजीत सिंह सर। तुम्हारे स्टेशन के सारे पुलिस वालों को पैसा मैं देता हूँ, घर में चलवाता हूँ। और मेरे गन्स पे अटैक हो गया, मेरे ड्रग्स डीलिंग पे अटैक हो गया। सर तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आपने थोड़ी पैसे खिलाए थे। पैसे तो आपने इन्हें खिलाए थे, मैंने अटैक करवाया है सर। तुझे कितने पैसे चाहिए मुंह खोलना, सीधा अटैक क्यों कर देता है? अरे सिकंदर भाई, कोई छोटे मोटे काम नहीं करता, मैं बड़े बड़े करता हूँ और बड़े बड़े रुपए गिनता हूँ। ठीक है, कल आ जाना एयरपोर्ट पे, तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा काम है, और अभी के लिए ये रख लो। अरे हम आ जाएंगे सर, कितना बजे आना है? बस 12 बजे के करीब, मिलते हैं कल, चलो रे। सर काम का 25% तो लूंगा, मतलब 500 करोड़ का, बस 25 करोड़ दे देना। तू बड़ा साना है रे, चल ठीक है तुझे मिल जाएगा, चलो रे। मेरे काम करने का तरीका यही है, देखा? 25 करोड़ निकलवा लिया, और तुम क्या निधा निकलवाते थे? 1 लाख 2 लाख। हट, हाँ सिकंदर भाई बोलो क्या काम है? जा एरोप्लेन के पास, एरोप्लेन के पास बंदा खड़ा है, उसके पास 500 करोड़, वो तुम्हें 500 करोड़ देगा, वही 500 करोड़ लेके मेरे एरिया में आ जाना। ठीक है भाई, आपका काम हो जाएगा। दे भाई पैसे दे। ना भाई जाम अब हो गया ना, जल्दी से निकलो, मुझे इन चीजों में नहीं फंसना। फिर निकलना क्यों, ऐसे काम करता है? ओ सुन बे सिकंदर, तेरे 500 करोड़ रुपए गए गांड मराने, मैं चलता हूँ। ए पकड़ो रे उसको।
साथियों हमला कर दो। अरे सब मर गए लेकिन सिकंदर नजर नहीं आ रहा, सिकंदर किधर गया? अरे मुझ पे फायर किसने किया? सिकंदर रुक जा, अपने आप को हमारे हवाले कर दे। सिकंदर और अमृत दोनों रुक जाओ वरना दोनों को मार दूंगा। पुलिस वाले घेर लो इनको, कहीं भागने की कोशिश मत करना मतलब सीधा गोलियां सर पे बजाऊंगा मैं। जल्दी से अपने आप को हमारे हवाले कर दे, चुपचाप से चल जिधर बोलता हूं मैं। चल साले चल इधर चल। सिकंदर तुझे एक बात बतानी थी, तुझे पता है मैं कौन हूं? अरे पीछे से उनके गुंडे आ रहे हैं, पुलिस वाले जल्दी से उधर से हट जाओ। बहुत ज्यादा गोलियां पड़ चुकी है मुझे, मैं कवर नहीं दे सकता अपने साथियों को। ये क्या, मेरे सारे साथी मर गए, सारे साथियों का खून का बदला लूंगा इनसे मैं। ये लो सालो। अरे देख रहे दिलजीत सिंह उधर छिपा हुआ, उसको पकड़ो रे सालो, उसको पकड़ो। पकड़ेगा मुझे? ये ले लैंडमाइन का सामना करना, मुझे पकड़ सको तो पकड़ के दिखाना हरामखोर। सिकंदर सर देखो वहीं पे छुपा हुआ है आगे के साइड। दिलजीत सिंह ज्यादा चालाकी मत कर, अपने आप को हमारे हवाले कर दे, इसी में तेरी भलाई है। मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मेरा ईमान बिकाऊ नहीं है तुम्हारी तो। सिकंदर भागने की कोशिश मत करना, अपने आप को मेरे हवाले कर दे। गन फेंक दे वरना मैं सीधा गोली चलाकर खोपड़ी तोड़ दूंगा, बता दे रहा हूं मैं। तुझे पता है मैं कौन हूँ? जानना चाहेगा मैं कौन हूँ? मुझे जाने दे, मुझे पता है तू आईपीएस दिलजीत सिंह है। गलत जवाब, बहुत ही गलत सोचता है तू, अब इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। ये ले। फिर कौन है तू और मुझे क्यों मारना चाहता है? हाँ तो सुनो, हुआ कुछ ऐसा था। याद आया कुछ? हाँ मैं वही बच्चा हूँ, बिल्कुल सही सोच रहा है तू रे। मुझे माफ कर दे, मुझे लगा था मेरी सच्चाई सबको पता चल जाएगी, इसलिए मैंने तेरे बाप को मार दिया था। बाय बाय ब्रो। तो गाइस होप करता हूँ ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत मेहनत, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है यार एक एक वीडियो के पीछे। एंड लव यू ऑल।